this is divya and welcome to omega deck दोस्तों आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम सभी चाहते हैं कि हमारी पर्सनालिटीज बहुत अच्छी लगे हम चार्मिंग लगे हम लोग ब्यूटीफुल लगे मगर कहीं ना कहीं ओबेसिटी जो है वो हमारी पर्सनालिटी को हैम्पर करती है हमारी एक्टिव लाइफ को भी हैम्पर करती है दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि, कि किस तरह से ओमेगा डेक ओबेसिटी को कम करने में हमारी मदद करता है तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से आज के हमारी पहली एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मीनाक्षी लेट्स वेलकम हम और आज की हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सिंदूरी तो चलिए उनका भी स्वागत करते हैं वेलकम डॉक्टर हेलो दिव्या डॉक्टर जैसे कि आप जानते हैं कि आज एक ट्रेंड बहुत ही कॉमन होता जा रहा है वो है ट्रेंड ऑफ बींग साइज ज़ीरो एवरी बडी वॉन्ट टू बी लीन थिन एंड दे नीड टू हैव अ परफेक्ट बॉडी शेप तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी आजकल जो uh, जो ट्रेंड है साइज ज़ीरो साइज पाने का ये ये कुछ एक्चुअली ये uh, अगर ये uh, exercise और एक्सरसाइज करने से जीरो साइज पाना और ऐसे करने से ये लोग खाना कम कर देते हैं न्यूट्रिशन कम हो जाता है तो एक्चुअली uh, जो न्यूट्रिशन डे पे मिलना चाहिए पर डे मिलना, मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है एक फिट बॉडी होने की लेकिन like, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है अगर उसे कोई मोटा बोले उसे बोले कि आप ओबेस हो आप मोटे हो पहले जानना जरूरी है कि ओबेसिटी होती क्या है उसका करेक्ट डेफिनेशन क्या है तो डॉक्टर मीनाक्षी मैं चाहूँगी कि वो डेफिनेशन आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्लियर करें ओबेसिटी जो मॉबिड ओबेसिटी जिसको बोला जाता है जब बॉडी वेट जो एक होना चाहिए हाइट और एज के अकॉर्डिंगली जब 20 परसेंट ज़्यादा होता है उससे तो उसको मॉबिट ओबेसिटी बोला जाता है तो दैट इज़ अ लाइक अ यू कैन से इट इज़ अ लाइक अ डिजीज़ काइंड एंड आजकल जो कारण हैं ओबेसिटी के काफ़ी हैं जैसे एक तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल और वर्किंग आवर्स इतने बढ़ गए हैं कि टाइम ही नहीं मिलता लोगों को कि कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर सकें और साथ में लाइक अ जंक फूड सो मच इज़ पॉपुलर नाउडेज़ कि बीच में भी ऑफिस में भी कुछ अगर प्रॉपर खाने की जगह टाइम नहीं मिल रहा है तो देर जस्ट स्टाफ एनी थिंग लाइक तो एक वो चीज़ है और तीसरा एक जेनेटिक डिसडर्स भी काफ़ी हैं तो उसके प्री डिस्पोजिशन रहता है ओबेसिटी के लिए और आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया कि ओबेसिटी एक डिजीज़ बनती जा रही है तो मैं चाहूँगी कि इसे थोड़ा सा और डिफाइन करें हमारे व्यूअर्स के लिए हाउ इट कैन बी अ डिजीज़ ऑल टुगेदर डिजीज़ मेरे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जो जैसे वेट गेन उनका हो चुका है लेकिन वो फिर ट्राई करते हैं एक स्टबन फैट हो जाता है जो कि फिर आप कुछ भी कोशिश करिए उसको डिक्रीज करने का जैसे एक्सरसाइज या डाइट से तो वो कम नहीं होता फिर फ्रस्ट्रेशन में आदमी और खाने लगता है तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ डिजीज एंड इट लीड्स टू वेरियस अदर डिजीजेज आल्सो रिलेटेड टू द फैट जैसे और भी जैसे ब्लड प्रेशर है आई yes, थिंक because वेरी बिग obesity. तो इसका solution क्या मौजूद है डॉक्टर सिंधुरी Solution तो एक्चुअली बहुत है एक्सटर्नल यूज इज ओमेगा contains ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या करते हैं ये फैट metabolism को इन इंक्रीज करता है जो unwanted फैट है जो बॉडी में ये मेटाबोलाइज नहीं होता है तो so, स्टोर uh, होते स्टोर स्टोर हाउस बन जाता है जी जी सो so, uh, ये सब क्यूटेनियस लेयर में ये स्टोर हाउस बन के स्टोर होता 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 जाता है तो so, ये क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म um, रोक रुक जाता है तो so, ये ओमेगा थ्री फैटी एसिड बाहर से लेने से क्या होता है कि ये फैट मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है और देर बाई फैट बर्निंग जो है इंक्रीज़ होता है एंड एलडीएल uh, और एच लेवल्स जो ब्लड में होते हैं वो भी रेगुलेट करता है बैलेंस करता या, या। है। आई थिंक डॉक्टर मैं ये जानना चाहूँगी मेटाबॉलिक रेट उसका और ओबेसिटी का क्या कनेक्शन है मेटाबॉलिक रेट अगर कम है तो जो आपका जो एनर्जी जो वे ये फैट जो बर्निंग प्रोसेस है वो कम हो जाता है तो वो स्टोरेज जैसे डॉक्टर ने बोला कि वो स्टोरेज होने लगता है वहाँ पे फ़ैट तो उसके लिए या तो आपकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो उसको फैट बर्न करने के लिए और दूसरा ऐसा हेल्दी फूड खाइए कि जो कि मेटाबॉलिक रेट के लिए इंक्रीज करे तो जैसे आपका जो एक्स्ट्रा टिश्यूज़ जो फैट हैं वो बर्न आउट हो जाए तो इट विल गिव यू अ प्रॉपर एंड अ स्लिम लुक दैट वे ओबेसिटी का एक इंडेक्स होता है बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स एक्चुअली ये नॉर्मल लेवल इज ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इज़ नॉर्मल एंड फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स टू ट्वेंटी नाइन It is a medium obesity uh, level and after 29, uh, which is um, uh, as he said, it is a morbid obesity. Then, uh, it, then further it is increases the complications and I think diseases. complications, obesity के साथ में बहुत सारे associated हैं। इनकी जानकारी भी हम अपने जो viewers हैं उने देंगे। मगर एक छोटे से break के बाद दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी के बारे में और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं किस तरह से आप वेट लॉस कर सकते हैं सो यू वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक दोस्तों आप देख रहे हैं ओमेगा डेक और आज हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी के बारे में तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं डॉक्टर मैं जाना चाहूँगी कि ये जो ओमेगा डेक है वो किस तरह से ओबेसिटी में हमें मदद करता है जी एक रिसर्च है जो ब्रिटिश जर्नल ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन इन्होंने क्या किया कि कुछ कुछ कॉमन पीपल को लिया जैसे एग्जाम्पल वन वन ट्वेंटी फाइव मेम्बर्स को वॉल्टियर्स को लिया और ओमेगा थ्री दे आर सप्लीमेंटिंग दैम ओमेगा थ्री तो दे टुक द ब्लड सैंपल्स ऑफ देम पेशेंट नहीं कॉमन पीपल एंड पेशेंट्स थे जिसे ओमेगा थ्री सप्लीमेंट दिया गया है ओमेगा थ्री लेवल्स जिस पे जिस ब्लड सैंपल में ज़्यादा हैं उसमें बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स का हो बेसल मास इंडेक्स इज रेड्यूस्ड रेड्यूस्ड टू मच एक्सटेंट सो हिप रेशियो वेस्ट हिप रेशियो जो है वो भी कम होता जा रहा है तो इट इम्प्लाइज दैट इट 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 वर्कस ओबेसिटी ओके वेल सेड कि अगर आपका बीएमआई रिड्यूस होता है इससे आपका वेस्ट और हिप रेशियो जो है वो भी कम हो रहा है तो इट्स रियली वर्किंग आउट फॉर ओबेसिटी डॉक्टर ओबेसिटी की जब हम बात कर रहे हैं एक और जनरेशन जिसके बारे में हमें बात करना बहुत ज़रूरी है वो है यंगर जनरेशन किड्स किड्स की लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुकी है दे आर लीडिंग अ वेरी सेकेंडरी लाइफस्टाइल वो बाहर खेलने नहीं जाते वो उतने एक्टिव नहीं हैं और साथ ही साथ बिकॉज ऑफ द स्टडीज़ उनके अंदर वो स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एंड दे आर पुटिंग ऑन लॉर्ड ऑफ वेट इवन अ फिफ्टीन ईयर ओल्ड इज़ एक्चुअली यू नो वराउंड सेवनटी एटी के जीज़ तो इस केस में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी एक तो मैं सजेस्ट करूंगी कि उनकी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा बढ़ाया जाए ध्यान दिया जाए और साथ ही साथ जो वो खा पी रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए और एक और चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि किसी भी तरीके से ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स आइर इन द डायट्री फॉर्म और एज अ सप्लीमेंट जैसे ओमेगा डेक है आप इंक्लूड करते हैं अगर शुरू से ही तो उससे काफ़ी मदद मिलती है बॉडी वेट को कंट्रोल करने में क्योंकि इससे क्या होता है एक तो एनर्जी लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं साथ में आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होता है जिससे फैट बर्नआउट बहुत फास्ट हो जाता है और दूसरा ये भी देखा गया है कि ओमेगा डेक जो है एपिटाइट को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है और कैलरी कंजम्शन भी कम कर देता है ओके okay. एक और चीज़ है जब हम आपने बोला कि पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे क्या खा रहे हैं किस तरीके के डाइट ले रहे हैं किस तरह से उन्हें अपने डाइट में सप्लीमेंट्स का यूज़ करना चाहिए आजकल स्टडीज़ के कारण पेरेंट्स खुद अपने बच्चे को मोटिवेट करते हैं नहीं नहीं बच्चा तुम खाओ जितना खाना है खाओ मगर मार्क्स अच्छे लेकर आना और कहीं ना कहीं उनकी मेमोरी पे भी इफ़ेक्ट होता है सो इज देयर एनी वे आउट कि ओमेगा डेक लेने से उनकी मेमोरी शार्प हो उनका जो ध्यान है वो ज़्यादा लगे स्टडीज़ के अंदर और साथ ही साथ वेट लॉस भी हो जी हाँ बिल्कुल है अक्सर पेरेंट्स बोलते रहते हैं भैया खाओ 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 ऐसा नहीं बट न्यूट्रिशन फूड खाओ जिसे जिसे न्यूट्रिशन मिले और ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा हो एक आ, ये ओमेगा टेक है जिसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड है एक डोकोसा एक्सनोइ एसिड डी एच ए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन मालिनेशन एंड एंड दैट इम्प्लाइज दैट मेमोरी इज इंक्रीज एंड ये इंक्रीज मेमोरी मेमोरी को भी इन्हांस करता है करेक्ट हमने ओबेसिटी की ओवरऑल अभी तक सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए बट ओबेसिटी की वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं जैसे हमने पहले कहा था कि डायबिटीज़ हो सकता है हार्ट डिजीज हो सकता है यू कैन एक्चुअली सफ़र फ्रॉम अर्थराइटस जॉइंट पेंस तो इसमें ओमेगा डेक किस तरह से हमारी मदद करता है ओमेगा डेक में अगेन ओमेगा थ्री है एंड इट इट जॉइंट पेंस अगर आप लोग तो इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन वेट ज़्यादा पड़ता है बोन्स पे और अगर आप uh, इधर उधर कहीं बहुत कोई uh, कोई बंदा है बहुत मोटा है आप समझ लीजिए कि और uh, वो थोड़ी देर वॉक करने से जॉइंट्स पे प्रेशर लगता है और इन्फ्लेमेशन होने लगता है और ये ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो है इट इज़ एन एंटी इन्फ्लेट्री एंड एज वेल एज इज डिक्रीज द बी एम आई एंड फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है

आई थिंक आज का जो डिस्कशन था वो अच्छा था और जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी ये जानने के लिए कि किस तरह से वो अपनी वेट को यू नो बैलेंस कर सकते हैं और साथ ही साथ जो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे भी बच सकते हैं और वाइंड अप करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसी टिप दें जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मदद करे और उन्हें एक हेल्दी लाइफ जीने में मदद करे आपसे स्टार्ट करेंगी डॉक्टर मीनाक्षी uh, मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगी कि एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए लाइक अ स्लिम एंड ट्रिम लुक के लिए आपको ध्यान देना है एक तो अपने डाइट पे बहुत ज़रूरी है साथ में कुछ एक्टिविटीज़ रखें एटलीस्ट हाफ एन आवर किसी प्रकार के भी एक्सरसाइज करें और अगर हो सके तो आप अपने डाइट में एक सप्लीमेंट है ओमेगा डेक वो ज़रूर इंक्लूड करें इससे क्या होगा कि आपका एनर्जी लेवल्स इंक्रीज़ होंगे मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होगा और साथ में कैलोरी कंजम्पशन भी कम रहेगा तो एक अच्छे लुक के लिए इट इज़ नेसेसरी दैट यू एड ऑन द सप्लीमेंट ओमेगा डेक थैंक यू डॉक्टर और डॉक्टर सिंदूरी आप क्या कहना चाहेंगी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छी फूड लीजिए न्यूट्रिशियस फूड लीजिए ज़ीरो साइज़ की तरफ मत भागिए और एक्सरसाइज आपके रोज डेली रूटीन में इंक्लूड कीजिए विच इज़ हेल्पफुल एंड टेक ओमेगा टेक एवरी डे आई थिंक थैंक यू बोथ ऑफ यू आपने जो भी पॉइंटर्स आज हमारे व्यूअर्स को दिए हैं इट विल रियली हेल्प दम आउट थैंक यू सो मच दोस्तों आज हमने जाना कि एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी के लिए जरूरी है कि आप वेट लॉस करें और वेट लॉस के लिए जरूरी है कि आप एक न्यूट्रिशियस डाइट लें प्रॉपर सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें और यही नहीं आपकी जो लाइफ है वो एक्टिव होनी चाहिए जैसे जैसे आप एक्टिविटी बढ़ाएंगे जैसे जैसे, जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे आपका वेट लॉस अपने आप ही होगा मैं जानती हूँ आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे इस समय अगर आप हमें कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं बाय ओमेगा डेक के आने वाले एपिसोड में हम आपको देंगे ऐसी जानकारियाँ जो आपकी लाइफ को हेल्दी बनाएंगी। टिल देन लिव हेल्थी एंड लुक यंगर